यार तुम इतनी बड़ी वो हो ना यूट्यूबर, क्या एंट्री मार रहे हो दोनों। ओहो हो हो, तुम लोगों को याद है ना कैंपस में कहाँ क्या है? बिल्कुल आवाज नहीं कर सकते आप लोग। प्रोजेक्ट्स की प्यार, बट देयर इज आल्सो वन इंटरेस्टिंग थिंग, लाइक हम लोग एक बहुत ही ऐतिहासिक स्पॉट पर पहुंचे हैं SJSU के। हम लोग जब पीछे आए तब तक मेरी बैग गायब हो चुकी थी। एंड डू दे गिव एडमिट्स टू अ ब्रांच ट्रांसफर स्टूडेंट्स, मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से आ सकता है क्या? एंड स्टे सेफ इन सैन होसे डाउनटाउन। या मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा चैनल पे से। हेलो, स्वागत है आप लोगों का नए वीडियो में। अभी हम लोग जा रहे हैं निखिल और समीक्षा को पिकअप करने के लिए। थैंक यू फॉर शोइंग अप ऑन द चैनल। हियर सर्बी एज़ वेल। कितने फेक कर रहे हो ना तुम, तो अपनी आवाज चेंज करने की जरूरत नहीं। आवाज क्या बदली मैंने, मेरी आवाज ऐसी है। हेलो, वेलकम टू द चैनल अभिनव इज रिकॉर्डिंग अगेन, बिकॉज मैंने लास्ट वेलकम में बोला कि अभिनव तुम बहुत फेक कर रहे हो। हेलो, मैं अभी भी बोल रही हूँ कि उन्होंने बहुत फेक करा था और वो अभी भी कर रहे हैं। ही डज नॉट से हेलो लाइक दिस। हेलो, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। अभी हम लोग आए निखिल और समीक्षा को पिकअप करने के लिए, जो हमको ले जाने वाले सैन होसे स्टेट यूनिवर्सिटी। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो इसके पहले के पहले, मतलब दो वीडियोस पहले जाकर चेक करना। द वीडियो टाइटल इज SJSU टूर की प्लानिंग के लिए लेजी डिनर मीटिंग और समथिंग लाइक दैट। इस वीडियो को मैं पहले बोलने वाला था कि अगर इस वीडियो को 100 लाइक्स आ गए तो ही मैं रिलीज करूंगा। फिर मुझे समझ में आया कि अगर मैंने रिलीज ही नहीं किया तो लाइक कैसे करेंगे लोग। बट इन एनी केस, इस वीडियो को फट 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 100 लाइक कर देना, मजा आ जाएगा। बट यार थैंक यू फॉर लाइकिंग दैट वीडियो, जस्ट अप्रिसिएशन। ओ यार तुम इतनी बड़ी वो हो ना यूट्यूबर। 95 पे है वो अभी, लेट्स 200। Take me to San Jose State University. आ रहे हैं दोनों चलते हुए आराम आराम से। तब से इनके लिए उबर लाके खड़ी की हुई है। भी क्या एंट्री मार रहे हो दोनों। ओ हो हो हो, तुम लोगों ने क्या एंट्री मारी, मैंने मिरर में कैप्चर किया तुम लोगों को। अच्छी चल रही थी ना मैं? पिछले वाले वीडियो को सही में 50 लाइक आ गए यार, फास्टेस्ट 50 लाइक्स एवर। 110 किसके थे पता है? ओ तुमने जो फेक अकाउंट्स बनाए थे। Okay, we have reached San Jose State University, courtesy Samiksha and Nikhil. Computer Engineering पढ़े हैं San Jose State University से। तुम लोग मास्क उतार सकते वैसे अभी। मैं उतार सकता हूँ। Okay, ये ऐसे दिखता है निखिल देखो। थोड़ा बहुत टूर करेंगे। अभी हम लोगों ने इतने 5 साल में एक्सप्लोर नहीं किया था कैंपस, तो फाइनली आज मौका लगा है। तुम लोग कब ग्रेजुएट हुए यहाँ से? 2018। तुम लोगों को याद है ना कैंपस में कहाँ क्या है? नहीं। याद कर रहे हैं अभी, चलते चलते। पार्ट ऑफ इज मार्टिन लूथर किंग लाइब्रेरी। सो वी आर एट मार्टिन लूथर, रीटेक रीटेक। सो वी आर एट मार्टिन लूथर किंग लाइब्रेरी, द फ्रंट एंट्रेंस। तुम लोगों ने यहाँ पे कितना टाइम स्पेंड किया ऑनेस्टली बताना? 20 डेज। 20? यस। वन सेमेस्टर। एक सेमेस्टर? वी आर एक्सेप्शंस, एवरीबॉडी लाइक कम्स टू द लाइब्रेरी, स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम एवरीडे। एंड दिस इज अ पब्लिक लाइब्रेरी, ऑल द फ्लोर्स या कोई स्पेसिफिक थिंग? अप टू फोर्थ फ्लोर इट इज पब्लिक, बट इट इज ओपन टू SJSU स्टूडेंट्स 24/7। तो ये सारे एरियाज में क्या बैठ के तुम ग्रुप डिस्कशन, तो कोई ऐसे साइलेंट एरिया वगैरह है क्या? आई थिंक वन ऑफ द फ्लोर इज साइलेंट। कंप्यूटर सर्विस सेंटर है यहाँ का, जहाँ पे निखिल इज टेलिंग की लैपटॉप्स आईपैड्स वगैरह रेंट पे मिलता है, मतलब रेंट पे नॉट रेंट, बोरो बोरो कर सकते हैं। दिस इज द टेक्नोलॉजी सेंटर यहाँ पे। Welcome back Spartans. Ahu. It was like one of our main places where we used to meet for projects. Projects ki pyar. Sare group discussions, project meetings yahi pe ki thi. Sab yaadein taaza ho rahi hai kya? Meeting room type banaya hua conference jahan pe Nikhil ne bahut sari project meetings lead ki hai. Tera final year project kya tha? MS project was a self driving car, but a self navigating robot which could navigate indoors and outdoors. Main to wo रोबोट के पीछे ही तो भाग रही थी इसलिए। ओ वो स्टोरी बाद में। अभी हम लोग लाइब्रेरी के 8th फ्लोर पे जा रहे हैं, जो कि साइलेंट फ्लोर है, स्टडी फ्लोर। वहाँ पे बिल्कुल आवाज नहीं कर सकते आप लोग। निखिल बोल रहा है कि वहाँ से डाउनटाउन का बहुत सही व्यू आता है। वहाँ पे निखिल रोज ऐसे खड़े होके अंबुजा सीमेंट की एड करता था। निखिल की अंबुजा सीमेंट वाली एड।
सेड जेसानू से डाउनटाउन है. हाउ इज द लाइब्रेरी? यहाँ पर एक दिन निखिल और समीक्षा के फोटो लगने वाले हैं. एस जे एस यू हेल्प मी टू गेट फीचर्ड ऑन सुरभना ब्लॉग्स. बहुत अच्छी लाइब्रेरी है. Where are we going next? I don't know. Is that our hall? So here mostly ऐसे सारी events जैसे दिवाली की events या कोई भी any festival of any culture, those are celebrated here. For example, Indian student organization यहाँ पे है जो दिवाली के events वगैरह organize करते हैं. तो वो उसके लिए ये tower कभी कभी use होता है. मैं कभी नहीं गई. तू बोली ना movies दिखाते हैं यहाँ पे. यहाँ पे मतलब बाहर नहीं, movies यहाँ पे होती है. यहाँ open lawn में. Open lawn पे ना you can just sit here and watch the movie. तो projector वगैरह लगा के. Projector लगा के. यही इंजीनियरिंग बिल्डिंग नहीं है ना. उड़ची है थी आपने क्लासेस ही थे पढ़ो ऐसे. बट सेल्फ ड्राइविंग या क्वाडकॉप्टर ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे तो यू डोंट वांट लॉट ऑफ पीपल अराउंड. सो हम लोग रात को नाइट मार के इधर प्रोजेक्ट करते थे. तो कभी कभी ऐसे लोग दिखते. हाउ सेफ इज इट समीक्षा रात को घूमना कैंपस में? वी वुड लाइक टू हियर सम स्टोरीज फ्रॉम यू. वेट फॉर इट देयर इज अ रियली कूल स्टोरी जो समीक्षा शेयर करेगी अबाउट सेफ्टी एट सैन होसे स्टेट यूनिवर्सिटी स्पेशली रात के टाइम पे. डिग्री वॉज अ 2-year डिग्री कोर्स. दोनों ने MS किया नॉट MEng. तू मुझे कुछ बता रहा था बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट हाउ द कोर्स इज स्ट्रक्चर. यू डिड मल्टीपल इंटर्नशिप्स एंड ऑल. आई गेस आफ्टर यू कम्प्लीट मे बी 2 semesters here you can start doing CPT, regular practical training. You can do 40 hours of internship during summer and 20 hours of internship in your last 2 semesters. For example, मैंने I guess तीनों summer, fall and spring तीनों semesters में internship की थी. 40 hours, 20 hours and 20 hours. But there is also one interesting thing, like in the fall and spring semester after your first year, you can also do 20 hours of on campus work or research assistantship at SJSU. ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कि किसी ने 3 internships की है. सो यू कैन एक्चुअली अर्न फ्रॉम 2 places बिकॉज इंटर्नशिप इज CPT. सो इट्स रिलेटेड टू योर कोर्स वर्क विच इज वाई इट इज अलाउड. प्लस यू कैन वर्क ऑन कैंपस विच इज एनी वे अलाउड. 2 जगह से पैसा, क्योंकि सैन होसे स्टेट यूनिवर्सिटी के आसपास रहना इतना सस्ता नहीं है. तो ये सब चीजें करना इज इंपॉर्टेंट, विच इज वाई निखिल एक्चुअली इंटर्न्ड thrice. The catch is that you have to register for the credit. Correct. If you are going for an internship, you have to register for 1 credit, which is around $700, I guess. Basically, you have to pay for your 1 credit, but that credit isn't counted to your graduation. Graduation, yes. हेलो समीक्षा, प्लीज बताया जाए ये एथलीट लोग हैं, बास्केटबॉल वगैरह खेलने में बहुत माहिर है, तो प्लीज बताइए क्या है ये? पढ़ो. अच्छा, ये पढ़ के ही बताना है क्या? टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लॉस स्टूड फॉर जस्टिस, डिग्निटी, इक्वालिटी एंड पीस. आई थिंक दिस इज कॉल्ड रॉबर्ट क्लार्क हॉल. सो यहाँ पे कुछ इंजीनियरिंग कोर्सेस होते थे. वो तो मुझे लगा ये स्टेडियम है यार. तो ये इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए बास्केटबॉल खेलने वाले लोगों को क्यों लगा कर रखा हुआ है? पार्टन्स इज द सैन होसे स्टेट टीम, राइट? इसका पब्लिसिटी हर जगह मिलेगा. समीक्षा तो ठीक है इन लोगों की टीम में, बास्केटबॉल टीम में. दे वांट लकी इनफ टू हैव मी. द रॉबर्ट डी क्लार्क हॉल. हां, सारे नहीं, इंजीनियरिंग कोर्सेज मल्टीपल बिल्डिंग्स में होते थे. वन ऑफ द बिल्डिंग्स इज दिस वन. ओके, नाउ समीक्षा विल बी इन द फोकस, क्योंकि अब हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां पे समीक्षा आपको सेफ्टी टिप्स देगी. सैन होसे स्टेट कुछ नहीं बताने वाली. वैसे ये जो रहता है ये वाला, तूने ये यूज किया है कभी? यू कैन जस्ट पुश फॉर हेल्प. उसी वक्त किया था. हाँ, उसी वक्त किया था. एक्चुअली मैंने नहीं किया था, इन लोगों में से किसी ने किया था. तो कोई आया था? हाँ, आया था ना. बिकॉज स्टोरी हो चुकी थी, दे कुडंट डू एनीथिंग. हम लोग एक बहुत ही ऐतिहासिक स्पॉट पर पहुंचे हैं SJSU के, जहाँ पर समीक्षा आपको बताने वाली है कि क्या हुआ था. समीक्षा प्लीज बता दे, रात के कितने बजे थे तब? और फिर 2:30 हम लोग सेल्फ ड्राइविंग कार टेस्ट कर रहे थे. यहाँ से चालू किया, सीधा सीधा मैं उसके सेल्फ ड्राइविंग कार के पीछे जा रही थी और मेरा बैग यहीं पे था. हम लोग जब पीछे आए तब तक मेरी बैग गायब हो चुकी थी. और बैग गायब हो चुकी थी और मुझे आई थिंक नोटिफिकेशन आया, आई एम नॉट श्योर. तो मेरा बैग का नोटिफिकेशन आया? नहीं, आई थिंक फॉरेक्स कार्ड से, वहाँ पे ATM है, वहाँ के ATM से फॉरेक्स कार्ड से भी पैसे निकल गए थे. पहले कार्ड सारे बंद करवाए जो भी थे उसमें, बस. अच्छा नहीं बताया इसने. ओके, निखिल
निखिल वॉन्ट्स टू ड्रामेटाइज दिस एक्सपीरियंस. वो समीक्षा की डिलीवरी से खुश नहीं है. निखिल गो अहेड. आई टेल यू द राइट वर्जन ऑफ द स्टोरी. सो हम लोग सेल्फ ड्राइविंग कार टेस्ट कर रहे थे. एज यू कैन सी दिस इज अ बिग स्पेस एंड गुड प्लेस टू टेस्ट योर सेल्फ ड्राइविंग कार. हम लोग यहाँ पे यूजुअली टेस्ट करते थे और समीक्षा अकेली थी जिसने उसकी बैग इधर रखी थी. क्योंकि हम लोग जैसे कार टेस्ट करते थे वी यूजुअली यूज्ड टू गो फॉलो द कार एंड वी यूज्ड टू चेक इफ इट इज टेकिंग द राइट टर्न लेफ्ट टर्न व्हाटएवर. जो जैसे हम लोग जा रहे थे तभी भी मैंने समीक्षा को बोला था कि तेरी बैग इधर है, वेट हियर, लेट अस गो एंड फॉलो. बट नो, शी हैड टू फॉलो. शी डिड नॉट टेक हर बैग विद हर. वी वेंट ऑल द वे टू द एंड एंड व्हेन वी केम बैक हर बैग वाज गॉन. तो ये रात के 2:30 बजे हो रहा था ये सब. बैग गायब थी और समीक्षा को मोबाइल पे नोटिफिकेशन आया कि किसी ने उसका फॉरेक्स कार्ड यूज किया है यूनिवर्सिटी के ATM पे. द गुड पार्ट इज शी गॉट ऑल द इंपॉर्टेंट स्टफ बैक बिकॉज हूएवर गॉट इट दे वर काइंड एनफ टू लीव बिहाइंड ऑल द इंपॉर्टेंट स्टफ व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू बी इन द US. सेफ्टी टिप फ्रॉम निखिल. बी केयरफुल, डोंट लीव योर बैग एनीवेयर. तो मैं आज ये बैग एक्चुअली प्रॉप की तरह लेकर आया था डेमोंस्ट्रेट करने के लिए. अभी दो बार आपने स्टोरी सुनी ली है तो फिर वी विल स्किप दैट पार्ट. The Diaz Campion Student Union, जो कि करियर सेंटर है, प्लस इट हैज अ फूड कोर्ट वेयर स्टूडेंट्स कैन वर्क. तो तूने इसमें से कहाँ पे काम किया था? मैंने रिसर्च असिस्टेंटशिप की थी. तो हाउ इजी इज इट टू गेट अ रिसर्च असिस्टेंटशिप इन SJSU फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग? डिपेंड्स अपॉन व्हाट योर प्रोफेसर गिव्स यू एज एन असाइनमेंट टू क्वालिफाई. मैंने सेकेंड सेमेस्टर में ट्राई किया था. शी हैड गिवन मी सम असाइनमेंट रिलेटेड टू अ कोर्स वर्क, कंप्यूटर आर्किटेक्चर. सो आई कंप्लीटेड दैट असाइनमेंट बट आई डिड नॉट कम्प्लीट इट इन टाइम. समबडी एल्स डिड इट बिफोर मी. तो मुझे वो नहीं, तभी नहीं मिला. समर आई अगेन अप्लाइड फॉर इट. आई डिड अ सेकेंड असाइनमेंट. एंड नेसेसरी नहीं है किसी का असाइनमेंट के बेसिस पे. फॉर एग्जाम्पल आई हैड अ गुड ग्रेड इन दैट पर्टिकुलर. ओके, सो दिस आई हैड ए प्लस. व्हेन आई अप्लाइड आई टोल्ड माई प्रोफेसर दैट आई हैव गुड ग्रेड्स, आई थिंक आई एम एलिजिबल. सो इट्स एन एप्लीकेशन प्रोसेस, राइट? यस. गो थ्रू दैट कोर्स, देन यू अप्लाई इफ द पोजीशन इज ओपन, एंड देन बेस्ड ऑन योर ग्रेड योर प्रोफेसर विल सिलेक्ट. $28 पर आवर था. वीकली 20 hours ही कर रहा था मैं. सो ओके, क्योंकि इंटर्नशिप भी चल रही थी बाद में. एंड वी हैव रीच्ड चार्ल्स डेविडसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. तो यहाँ पे मेजॉरिटी इंजीनियरिंग कोर्सेज के लेक्चर्स सब होते थे. आई थिंक दिस बिल्डिंग ऑल्सो हैज मल्टीपल इलेक्ट्रिकल लैब्स. That if you are like in embedded systems, you will most likely be present here. Okay. There is an IEEE lab as well where you can get all the stuff like oscilloscope, multimeter, all that thing. You can get to use those things. ये लोग क्यों बुला रहे हैं अपने को अंदर वापस? यार इतना अच्छा conversation चलता है ना, तो ladies do not take it politely. They are always like हमारे पीछे पीछे ही आओ. Do you also go through that as a married guy? All the time. यहाँ पे अभी करियर फेयर होता है. हाँ. लोगों की करियर फेयर के दिन नीचे से लाइन लगी रहती है जहाँ से एंटर हुए हम लोग. सो दिस इज द एरिया जहाँ पे करियर फेयर होता है. अंदर यहाँ पे, मतलब तो ये अंदर यहाँ पे बॉल रूम है जहाँ का एक्सेस नहीं है हम लोगों को. बट इफ यू आर गोइंग टू बी इन SJSU लुकिंग फॉर अ जॉब, यू आर मोस्ट लाइकली गोइंग टू बी हियर ड्यूरिंग द करियर फेयर. यहाँ पे गरबा भी होता है. तो अगर किसी ने गरबा बहुत सही किया तो उसको करियर फेयर में जॉब लगती क्या? नहीं. लोग ऑब्जर्व करते होंगे ना. से होना चाहिए, कंपनीज ने बोलना चाहिए कि यार गरबा किसने सबसे अच्छा किया उसका वीडियो भेजो, उसको हम लोग जॉब देंगे, राइट? जाम्बा जूस, टी डिग्री, स्टेक एंड शेक. And there are other restaurants also. यहाँ पे you are allowed to go for an on-campus job, right? Portal होता है. Portal पे जाके या फिर personally जाके पूछो. 3 courses तो लेने पड़ते हैं, enroll करने पड़ते हैं. 9 credits for a full-time student. But हमारे वक्त ऐसा था, just because we had prerequisites for computer engineering, we had like 4 courses for 3 semesters. Register the classes for prerequisites, or we have choice to take a test, pass that test, clear that test, so that we can waive out that. I think 4 courses mila ke, I think 9,000. It was around 900-950, I think. MS ka I would say around $30,000, $28,000 to $30,000. Samiksha, what's the living cost? Depends on how you want to live. What is a 2-bedroom apartment around the university? $3,600. As per apartment policy, 2-bed 2-bath mein maximum 5 log rahe.
700 पर पर्सन अगर तुम लोग जस्ट द रेंट अगर तुम लोग सिर्फ 5 लोग रहेंगे एंड द रेंट तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू व्हेन यू अराइव हियर एट एसजेएसयू इज टू गेट योर एसजेएसयू आईडी कार्ड एंड क्लिपर कार्ड सो द क्लिपर कार्ड हेल्प्स यू विद ट्रैवलिंग विद वीटीए स्टूडेंट्स को फ्री में मिलेगा फ्री में तो यहां पे सिर्फ आओ क्लिपर कार्ड लो एंड स्टार्ट रोमिंग अराउंड एंड सो क्लिपर कार्ड गिव्स यू एक्सेस टू एवरीथिंग रिलेटेड टू वीटीए इट कुड बी अ बस इट कुड बी अ लाइट वेल द रेसिंग हुई थी हां मतलब काइंड ऑफ रेस नहीं थी इट वाज एन एक्चुअल डेमो तो हम लोग को बोला था यहां से कार स्टार्ट करो एंड सेंड इट ऑल द वे ऑन द अदर साइड और फिर वो कार वहां पे अपने आप जानी चाहिए हमारी कार की फोटो वोटो है क्या तुम्हारे पास आई गेस आई लिंक दैट सेल्फ ड्राइविंग कार का वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बिलो हम लोग का दोनों का एम्बेडेड सिस्टम सबके सारे कोर्सेस वेर इधर सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर आर्किटेक्चर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर एम्बेडेड सिस्टम एप्लीकेशन आई थिंक नेटवर्किंग डेफिनेटली एक ऑप्शन था और मुझे याद नहीं आ रहा थोड़ी निखिल की मेमोरी गजनी टाइप बिहेव कर रही है तो ही डजंट रिमेम्बर ऑल द कॉन्सेंट्रेशंस बट वो तो आप वेबसाइट पे जाकर भी चेक कर सकते हो आई थिंक हम निकलने के बाद डेटा साइंस या डेटा वाला भी तो यू हैव टू सिलेक्ट सम कॉन्सेंट्रेशन सम इलेक्टिव कोर्सेस यू कैन टेक फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट एंड ऑल बट यू नीड टू हैव अ कॉन्सेंट्रेशन ये क्या हो रहा है वो जो पीछे इतना ग्रुप जा रहा है हिंदू युवा तो वो IGSA मतलब ग्रेजुएट स्टूडेंट एसोसिएशन जैसा है क्या हिंदू युवा एंड ISO अलग और एक है तो वो जो है ना बेसिकली वो दे हेल्प विद गेटिंग योर आईडियल गो फॉर क्लिपर कार्ड देयर स्टील इंजीनियरिंग वालों के कोर्सेस आई गेस सिर्फ यहाँ होते हैं थैंक यू लोग को जनरल इंजीनियरिंग से अलग रखा गया है एक भी बहुत पुरानी टाइप की लग रही है बिकॉज़ दिस बिल्डिंग हैज दैट इंडस्ट्रियल वाली फीलिंग ओके इसीलिए अलग गरीबों वाली फीलिंग दिस इज द इंडस्ट्रियल स्टडीज की बिल्डिंग बहुत ही छोटी सी बिल्डिंग है माई हार्ट goes out to all the industrial engineering students who are out there looking forward to an amazing professional journey ye electrical computer wale nahi samjhenge industrial walon ka kya khatarnak wala rutba hota hai thode baat questions jo pichle video pe aaye the SJSU MSNCS compared to other UCs like Irvine Santa Barbara and Davis tere aur admits kya the yes mujhe Portland State University ka admit tha Florida ka admit tha I chose SJSU because of the location obviously jobs easy I think the coursework for embedded concentration was better here GRE requirement for SJSU MSNCS or software engineering and do they give admits to a branch transfer students matlab koi electronics se aa sakta hai kya so main khud electronics se hi aaya hu and I guess GRE score requirements I would say 305 plus is generally good but I think the only thing you need to remember with SJSU is that apply as soon as you can if you apply early you have a better chance of getting in स्टैनफोर्ड के कंपैरिजन में सैन होसे स्टेट यूनिवर्सिटी का कैंपस इज अ लॉट स्मॉलर दिस इज मैंने अभी जस्ट पढ़ा 154 एकर्स में स्प्रेड है बिकॉज दिस इज एन अर्बन कैंपस ये सैन होसे डाउनटाउन के बीच में है सिटी के अंदर होता है तो इट्स एनीवे द कैंपसेस आर स्मॉलर सो दिस इज स्टिल अ बिग कैंपस कंपैरेटिवली मैक्सिमम स्टूडेंट्स डाउनटाउन में ही रहते होंगे ना दिस इज स्टूडेंट वेलनेस सेंटर फील सिक यू हैव फीवर एंड यू थिंक यू नीड टू शो इट टू अ डॉक्टर यू कैन गो हियर कवर्ड अंडर योर व्हिचएवर हेल्थ इंश्योरेंस अभी थोड़ा कोरोना वायरस के कारण रिक्रिएशन एंड एक्वेटिक सेंटर तो वी विल ट्राई गोइंग इन एंड दिस इज सो कूल ये स्कूटर पार्किंग है All right, let's see how much strength you got, Nikhil. खड़े बहुत आज वेट लिफ्टिंग करके दिखा दे हम लोगों को जिम के अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि वहाँ पे आईडी की जरूरत है अभी हम लोग जा रहे हैं निखिल की गली क्रिकेट की जगह देखने के लिए जहाँ पे निखिल अपने दोस्तों के साथ गली क्रिकेट खेलता था सैन होसे डाउनटाउन का जो लुक है वहाँ से मतलब अगर आप सैन होसे डाउनटाउन में हो तो वहाँ से समझ में भी नहीं आता कि अंदर इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी होगी यूनिवर्सिटी के अंदर में इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल वी आर ग्लैड दैट वी मेड इट आई होप यू आर ऑल्सो एंजॉइंग द टूर सो फार एक और क्वेश्चन आया था मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ स्टडिंग CS in SJSU scope of jobs and internships so I think CS ka mujhe jitna pata hai CS ka coursework is really difficult jitne mere friends hai jinhone liya hai all of their reviews was it is a difficult you have to spend quite a lot of time with the assignments and it is challenging totally worth it that is the only demerit that it is challenging if you are not coming for a random course right you are coming exactly. for a CS masters most probably about internships I guess most of not most I would say 99%
50% of people get into some company, they get some internship. So a lot of people are doing multiple internships also. So Nikhil was not the only person who was going for multiple internships semester after semester. Aur bhi bahut sare inke class mein log the. Full time jobs, I would say, just suggest that keep your last semester as free as possible. Try to finish up courses in the first three semesters. In the last semester, just keep some time available for you to study for full time. And I think you would have enough time to get a full time job. I would say 90% logo ko to within the proper time frame mil jati hai. Otherwise there are other options. Kuch log kya karte hai ki they do some contract job. Okay. So that they can get to stay an OPT, and while they do contract job they try and look for full time. Career fair mein mostly software, proper software engineering wale jobs companies aayengi. Hum log ka embedded software specific I guess कोई भी कंपनी नहीं थी. इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ से मिलना for us it was difficult. Yeah, we just looked for companies around Bay Area, applied there and interviewed there. We are pretty much out of the campus now. कि हम लोगों ने अभी तक बताया नहीं कि how do we even know these people. Samiksha is actually Surbhi की classmate from our undergraduate engineering college. जिस स्कूल में मैं था नागपुर में, अगर कोई सोमलवार से देख रहा है तो please put hashtag सोमलवार OP, but put hashtag सोमलवार रामदास पेट OP. तो मैं इसको तब से जानता था, but then she became a really good friend of Surbhi in Ramdev Baba College of Engineering and Management. And then वो आई San Jose State University अपनी पढ़ाई करने, and she met this guy. So now she is married to this guy. And I am the odd man out because मैं तीन चारों में अकेला मुंबई से. तू ये स्टाइल मारने के लिए बोल रहा था कि मैं मुंबई से हूँ या क्या? And that is pretty much the end of our San Jose State University tour. Thank you so much, Nikhil and Samiksha and Surbhi. बहुत मज़ा आया. हम लोगों ने जो एरिया एक्सप्लोर नहीं किया था वो हम लोग एक्सप्लोर कर सके. एंड इस वीडियो को अगर 100 लाइक नहीं आया ना तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा चैनल पे से. इनकी मेहनत के लिए इन लोगों की मेहनत के लिए तो 100 लाइक आना बनता है बिल्कुल. और प्लीज़ कमेंट्स में लिख कर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर निखिल और समीक्षा प्लीज़ पुट देम इन द कमेंट्स. एंड मे बी इन द फ्यूचर वी विल डू लाइक लाइव सेशन और समथिंग विद निखिल एंड समीक्षा to talk a little more about computer engineering at San Jose State University. That is it for this video. If you liked it, do not forget to hit the like button, subscribe to the channel, and we will see you in the next video. Thank you so much for watching. Kuch words of wisdom in essay last words before we end the video. Study hard. And stay safe. Stay in safe. San Jose downtown. Yeah. Show some your love for San for this video and SJSU. SJSU wale you can ignore. Show some love for this video. ऐड करना है क्योंकि जो मैंने बोला था कि टिप्स देना वर्ड्स ऑफ विजडम, हिज वर्ड्स ऑफ विजडम आर तड़का लगाना सीख लो TLSL.